जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सबों के सामने एक नया अपडेट लेके आया हूँ और ये अपडेट है दो दिन पहले का है और इसमें यही अपडेट आया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से और एक वैकेंसी लाई गई है और नोटिफिकेशन में डाल दी गई है। तो आप सबों के सामने है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, ये है आपका मैट्रिक स्तरीय संयुक्त परीक्षा। ये जो विज्ञापन संख्या आप देख रहे हैं वो विज्ञापन संख्या है आपका 12/2023 और ये जो है आपका झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो आप सबों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, अब मैट्रिक से मैट्रिक स्तरीय भी जो एग्ज़ाम है, प्रतियोगिता परीक्षा है, वो आ गई है। ये जो है वो आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ये प्रकाशित किया गया है ये नोटिफिकेशन। तो उसी संबंधित आज का ये वीडियो है, तो उसी संबंधित हम लोग देखेंगे और आप लोग इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। झारखंड www.jssc.nic.in में भी जाके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे आप सबों को पता है कि इसका जो एग्ज़ाम शुल्क है वो 100 रुपये रखा गया है और जितने भी कैटेगरी वाले हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, वो लोगों के लिए मात्र 50 रुपये का परीक्षा शुल्क रखा गया है। और इसमें पूरा ध्यान दिया गया है स्थानीय निवासी होना चाहिए, ये सब के बारे में आप सबों को यहाँ पे देखने को मिलता है। और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो मैट्रिक स्तरीय परीक्षा आई है तो उसमें आपका क्या क्या पोस्ट निकला है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो पहला पोस्ट है वो कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग की ओर से है और दूसरा है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग की ओर से। मतलब दो पोस्ट है लेकिन इसमें बहुत सारे सीट भी हैं। यहाँ पे जैसे आप देखते हैं ये कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग में, तो यहाँ पे जो आरक्षित हैं, अनारक्षित वाले हैं, उन लोगों के 106 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 68 है और जिसमें आदम जनजाति भी इसमें शामिल किया गया है, उन लोगों के लिए एक सीट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति, माफ कीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 27 है, अत्यंत पिछड़ों के लिए 23 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 16 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उन लोगों के लिए 28 सीट रखा गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वो लोग आएंगे जो लोग BPL का सर्टिफिकेट उन लोगों के पास होगा, कार्ड होगा, वे लोग इसमें आएंगे। और अगला है कुशल शिल्पी समकक्ष पद उद्योग विभाग की ओर से भी है जिसपे आपको देखा जाता है अनारक्षित के लोगों के लिए 76 है, अनुसूचित जनजाति के लिए है 48, अनुसूचित जाति के लिए है 19, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 15, पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 18 सीट यहाँ पे रखा गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे जो पोस्ट आया है, दो पोस्ट जो है, पहला है कीट पालक एवं समकक्ष विभाग जो है उसका जो है योग्यता रखा गया है, मिनिमम योग्यता जो है आपका मैट्रिक होना चाहिए और साथ ही साथ इसके साथ झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा जो सेरिकल्चर, सिल्क ड्राइंग, प्रिंटिंग, ये सब में होना चाहिए या 2 वर्षीय इंटर का जो है व्यवसायिक कोर्स जो सेरिकल्चर और टेक्सटाइल में उत्तीर्ण होना चाहिए, वे लोग इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक के साथ। मैट्रिक मिनिमम होना चाहिए लेकिन साथ ही में आपको एक्स्ट्रा जो कोर्स है, जो पोस्ट निकला है उससे रिलेटेड जो कोर्स है वो करना अनिवार्य है। उसका दूसरा पोस्ट जो है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग की ओर से है जिसमें ये कहा गया है जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया है मैट्रिक के साथ में हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी मांगा गया है। मतलब इसमें आपको एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया है। और जैसा यहाँ पे आप लोग पेमेंट देख रहे हैं, वेतन जो है आपका यहाँ लेवल 1 है 18,000 से लेके यहाँ तक, है ना, और इसमें लेवल 2 है, इसमें मतलब सेम है,
सेम तो नहीं कहेंगे, कुछ फ़र्क है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैट्रिक स्तरीय तो है, बट साथ में आपको एक वर्ष यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आपको मैट्रिक के साथ झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से एक वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स करना है। और किस से करना है ये चीज़ यहाँ पे भी आपको बता दिया गया है। और अगर ये नहीं है तो इसमें से दो वर्ष का इंटर का व्यावसायिक कोर्स जो सेरिकल्चर और टेक्सटाइल से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये बातों को आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण था। और यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा की भी बात की गई है, खेल कोटा में, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब जितने भी वे लोग खेल कोटा में शामिल होंगे जो राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे कंपटीशन में भाग लिए हैं और वे उपलब्धियाँ प्राप्त किए हैं, द्वितीय तृतीय स्थान प्रथम स्थान या राष्ट्रीय रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ही वे लोग इसके लिए लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं उम्र की, तो न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष और मैक्सिमम है आपका कैटेगरी के अनुसार से है। यहाँ पर जनरल के लिए 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है, महिलाओं के लिए है 38 वर्ष और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए है 40 वर्ष रखा गया है अधिकतम। ठीक है, ये हर एक झारखंड सरकार का जितना भी एग्ज़ाम है वो चीज़ में यहाँ पे रखा गया है, तो इस पे ज़्यादा हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। और वैसे बात की जाए यहाँ पे, तो फॉर्म भराने का जो तिथि है वो कब होगा वो भी हम लोगों को देखना अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये हम लोगों को फॉर्म भराना कब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आगे ही होगा, तो यहाँ पे दिया गया है मैट्रिक, जो मैट्रिक स्तरीय का जो वैकेंसी आया है वो स्टार्ट होगा अप्लाई करना 4/7/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट रखा गया है 3/8/2023 और लास्ट पेमेंट फ़ी का जो करना है, फ़ी पेमेंट करने का रखा गया है 5/8 तक रखा गया है। और लास्ट डेट अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर का बात रखा गया है यहाँ पे 7/8/2023। ठीक है, और करेक्शन का डेट रखा गया है 9/11/2023 तक रखा गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो बने रहिए इस चैनल पे, जेके स्टडी चैनल पे, और इसी प्रकार का नॉलेज पाने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।